इस वक्त की बड़ी खबर का गुजरात से आ रही है, जहां पर गृह मंत्री हर्ष संघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मौके पर डॉक्टर्स की टीम तैनात है। सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में घायलों का इस वक्त इलाज जारी है। हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की गई है। ब्रिज का काम संभालने वालों पर केस दर्ज, हर्ष संघवी। गुजरात के गृह मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातें सामने आई है और ये भी कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कुछ कहा गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने, सुनिए। सरकार की कोई घटना जब बनती है तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। खास तौर पे ये घटना 6:30 बजे बनी, 6:50 से हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहुंचाए गए। जिला तंत्र राज्य सरकार के द्वारा खास तौर से आसपास के सभी जिलों से एम्बुलेंस, 108 की टीम, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे पहुंचाई गई और खास तौर पे जिस प्रकार के घटना बनी थी उसको देखते हुए मुख्यमंत्री श्री ने आसपास के सभी जिलों के हॉस्पिटल्स में सभी प्रकार की तैयारियां करने की सूचना दे ली थी। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। और वही हमारे साथ इस खबर पर अंजलि दिल्ली से जुड़ी हुई है, पूजा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है, अंजलि फरीदाबाद से जुड़ी हुई है। अंजलि, तमाम तरह की खबरें सामने आई है, जो स्थिति इस वक्त गुजरात में बनी हुई है, 132 लोगों की मौत का आंकड़ा और यह आंकड़ा आगे भी बढ़ सकता है, दर्दनाक हादसा, बहुत ज्यादा दर्दनाक हादसा, रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। शायद ही किसी ने सोचा होगा, उन लोगों ने सोचा होगा कंचन, इस बात से बेखबर वो लोग होंगे क्योंकि रविवार का दिन था, अपने परिवार वालों के साथ घरों से बाहर वो लोग गए थे सैर करने के लिए, छठ पूजा की छठा देखने के लिए, इस बात से बेखबर कि अगला पल उनका नहीं होगा और ये आखिरी शाम होगी उनकी। सवाल कई सारे हैं, लापरवाही सबसे ज्यादा रही है इस पूरे हादसे में। सवाल ये है कि आखिर क्षमता से ज्यादा लोग कैसे पहुंच गए, लंबाई भले ही बहुत ज्यादा रही हो उस पुल की लेकिन चौड़ाई बहुत कम थी, 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर आखिर 300 से 400 लोग कैसे पहुंच गए और ओरिवा कंपनी का मालिक आखिर कहां। इंडिया न्यूज बार बार ये सवाल पूछता है, संपर्क साधने की हमारी तरफ से जब कोशिश की गई है तो लापता है ओरिवा कंपनी का जो एमडी है और उससे जाहिर है सवाल किए जाएंगे सबसे ज्यादा क्योंकि लापरवाही बड़े स्तर पर हुई है। क्या मौत का मतलब नहीं पता ओरिवा कंपनी को, कैसे जब फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिला था तो कैसे संचालन शुरू कर दिया गया, कैसे लोगों को वहां पर जाने की इजाजत दे दी गई। 17 रुपए का टिकट है बड़ों के लिए, 12 रुपए का टिकट है बच्चों के लिए जो खरीदना पड़ता है उस पुल की सैर के लिए। कंचन, ये पुल नया नहीं है, 100 साल से ज्यादा पुराना ये जो पुल है वो बना हुआ है और गुजरात के टूरिस्ट स्पॉट में से एक है ये पुल, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे। पिछले 7 महीने से मरम्मत चल रही थी इस पुल की और दिवाली से एक दिन बाद ही गुजरात नववर्ष के मौके पर इस पुल को खोला गया था। जब सर्टिफिकेट नहीं मिलता फिटनेस का, जब एनओसी क्लियर नहीं हुआ था तो फिर आखिर कैसे संचालन शुरू कर दिया गया, कैसे वहां पर लोगों को जाने की इजाजत दे दी गई, सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, चंद रुपयों के लिए कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर दिया गया, ये बड़ा सवाल है और इंडिया न्यूज बार बार ये सवाल पूछता है। प्रशासन की भी जिम्मेदारी रही है, कैसा हो सकता है कि वहां पर जो स्थानीय प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसे इस बात की जानकारी ना रही हो कि यहां पर संचालन शुरू हो चुका है, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सवाल है जो लगातार लोगों के मन में उठ रहे हैं, गुजरात के जो स्थानीय लोग वहां पर मौजूद है, अब तक वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, वो भी यही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस वक्त गुजरात में भी मौजूद है, पूजा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, सवाल कई सारे हैं, सवाल सबसे बड़ा तो यही खड़ा होता है कि लापरवाही इतनी बड़ी आखिर किस लेवल पर हुई है, सरकार को इसकी जवाबदेही बनती है, प्रशासन को इसकी जवाबदेही बनती है, पुल जिस कंपनी ने पुल का निर्माण किया उसकी जवाबदेही बनती है, एक पुल जिसकी कैपेसिटी 100 लोगों की क्षमता है उस पुल पे 400 लोग आखिर पहुंचे तो कैसे पहुंचे।
बता दें कि लापरवाही का बड़ा मामला है ये, जिससे कई लोगों की जान चली गई है। आप यकीन मानिए 300 से 400 लोग थे, कई लोग जो है सैकड़ों अस्पताल में हैं और सैकड़ों की जान जा चुकी है। तो आप ये मान के चलिए कि कभी अभी भी जो है 100 लोग जो है करीब मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनकी जो है खोजबीन करी जा रही है। आपको बता दें कि सभी आर्म फोर्सेस को इसमें लगाया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें यहां पर वायुसेना के गरुण कमांडोज को लगाया गया है लोगों को ढूंढने के लिए। गरुण कमांडोज वो होते हैं जो कि सबसे टफ ट्रेनिंग के बाद जो है वो चुनकर आते हैं और कई हफ्तों तक भूखे प्यासे रहकर वो काम करते हैं। और इनकी जो जो डेप्यूटेशन होती है, जिनको इनको डेप्यूटेट किया जाता है, वो कश्मीर में ज्यादा किया जाता है, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इलाके होते हैं वहां। ठीक है, पूजा बने रहेगा, कई प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनिए। लगा मेरे को बिगड़े दो 7-8 महीने की बालक होगा, वो भी डेथ हो गई। फिर तीन चार सद्भावना में भी 4-5 है। फिर पुराना बस्ती के पास ही एक सिविल है, कृष्णा भी मैं छोड़ के आया। कृष्णा भी 3-4 बूदिये से ही बोल देगा वापस ले जाओ, नहीं ये छोड़ने आए थे। मैंने देख मेरी इंसानियत मानव सेवा की है, और मेरी बात सुनो। मेरे एक अफसोस हो गया मेरे को, जब एक बालकी थी वो मैंने साथी रगे दबाई तो पानी निकला इससे, फिर बालकी ने आँख खोली, वो आँख बीच में आ रहा था तो उसकी डेथ हो गई। वो मुझे दिल में बहुत लगा, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं है। और मैं हर संडे को चाय देता हूँ उधर, और मोरबी के जो हमारे मुख्यमंत्री भी थे उसने मुझे शाबाशी दी है, मैंने इसको भी बोल दिया। मुख्यमंत्री हमारे यहाँ मोरबी के जो आपको नाम जानती होगी, उसने मुझे शाबाशी दी कि आपको मानव सेवा की है, तो उसमें भी विजय में मिल गया को मैं बोल दिया मैंने ऐसा किया। तो इसने मुझे कंधे शाबाशी दी, मैंने एक मानव सेवा की है। पूरी रात रात मैंने सोया, मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि अपने हाथ में बच्चे थे, मेरे हाथ में बच्ची मर गई ने मुझे बहुत दिल में लगा। अने एक औरत के 2 बच्चे मर गए, वो मुझे तस्वीर दिखाई, वे सद्भावना में थी, मैंने बोल दिया इसको भी आप सद्भावना में जाओ। मैंने इसे उधर नहीं बोला तक आप डेथ हो गई, किसी को बोल नहीं सकते ना, वही बात है। तो देखिए वहां पर स्थानीय लोग हैं, वो भी मदद में जुटे हुए हैं। कल रात से ही वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हर्ष सांघवी ने कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, गुजरात के गृहमंत्री है, जिन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस वक्त इलाज चल रहा है। उच्च स्तरीय जांच समिति भी गठित की जा चुकी है। 135 बहुत घटना हो गई, बोल नहीं सकती अब मैं, बहुत बुरा हुआ। बच्चे लोग भी थे, बहुत बहुत मैं बोल नहीं सकती, इतना मेरे को दुख लगा है। जो कोविन में था ना, उससे ज्यादा भी मेरे को आज बहुत तकलीफ हुई है। आपने लोगों की सेवा की, लोगों को बचाया आज उसके लिए। लोगों को मानव सेवा, खड़े पग एक पैर, कितने बजे सुबह का भी मेरे को पता नहीं चला। ऐसे दौड़ दाम बॉडी पैक करना देना लेना, मेरी गाड़ी भी गई अभी सेवा में गई है सापर बॉडी छोड़ने, इधर झूलता पुल में दी, वो भी दे दी चाबी, कहाँ है गाड़ी अब मेरे को भी पता नहीं है। आए बच्चे थे मेरे, 3 लड़की एक लड़का, 3 लड़की एक लड़का। कैसे सेवा की आपने, क्योंकि घटना बहुत बड़ी थी, 135 लोगों की मौत हो गई, किस तरह से आपने पूरे मेरा परिवार समझ के, मेरा खुद का परिवार समझ के मैंने सेवा की। ओ ऊपर वाले को देख के, मानव सेवा ईश्वर अल्लाह एक, सबको बोलती हूँ मानव सेवा में सब जुड़ के रहो, और सबने साथ दिया। 108 प्रेस रिपोर्टर, हॉस्पिटल का स्टाफ, कोई भी संस्था, सब मिल के अपना समझ के बहुत सपोर्ट किया, धन्यवाद करती हूँ उन सबको मैं। ऐसा कभी नहीं देखा है, ऐसा कभी नहीं देखा है। जय हिंद जय भारत। तो वहां जो स्थानीय लोग मौजूद हैं उनका यही कहना है कि ऐसा कभी नहीं देखा। पूजा 140 साल पुराना पुल, ऐतिहासिक धरोहर जिसे गुजरात की कहा जाता है, संडे का दिन था, लोगों की छुट्टियां थी, घरों से बाहर लोग निकले थे परिवार वालों के साथ। शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जा तो रहे हैं वो, लेकिन जिंदगी में वापस लौट कर नहीं आएंगे।
पूरे परिवार के साथ जो है लोग वहां पर आए थे ये देखने के लिए कि जो ये नया पुल जो है मरम्मत के बाद जब खुला है, जो कि ऐतिहासिक धरोहर कही जाती है, उसको देखने के लिए लोग पहुंचे थे। छुट्टी का समय था, वहां पर लोग पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं जिस खुशी के साथ परिवार निकला था उस खुशी को मातम में तब्दील कर दिया गया कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से। आपको बता दें मच्छू नदी जो है ये पहले भी अपने आप में त्रासदी के इतिहास की गवाह रही है। अगर आपको लोगों को याद दिलाया, अगर याद होगा हम शायद उस टाइम बहुत छोटे रहे होंगे, कुछ लोग पैदा भी नहीं होंगे। 11 अगस्त 1989 का दिन था जब यहाँ पर एक भीषण त्रासदी हुई थी। मच्छू नदी में ऐसी भयंकर बाढ़ आई थी कि इस पर बने तमाम पुल जो है, बांध जो है, वो सब टूट गए थे। 1800 लोगों की मौत हो गई थी। और उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक थे जिन्होंने आगे बढ़कर लोगों की मदद की थी। और यही त्रासदी जो है एक बार फिर से सामने आई है जब मच्छू नदी के ऊपर ये बना पुल गिरा है और बहुत से लोगों की मौत की विभीषिका बन गया है। हालांकि सवाल बहुत सारे हैं, लापरवाही किसकी हुई है उसकी जवाबदारी भी होनी चाहिए, उनको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन साफ सी बात यह है कि आपको बता दें कंचन, 140 लोगों की जान बहुत बड़ा आंकड़ा है। हर परिवार का एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण होता है। कई परिवारों के अंदर शायद वो एक ही व्यक्ति कमाने वाला होगा। अब आप सोचिए कि क्या कोई भी हट जाना किसी की जान से बढ़कर हो सकता है। लेकिन ये बड़ी कंपनी ओवेरा कंपनी की बात करें, इसने जो है सिरे से जो है लापरवाही बरती है। यहाँ पर पुल खोलने की जल्दी दिखाई गई थी। आप ही मान के चलिए जब कोई सर्टिफिकेट नहीं नगर पालिका से लिया गया था तो कैसे इसे खोला गया। आप ये बताइए कि किस तरीके से एक पुल जिसको बहुत नैरो है, जिसमें जाने की कैपेसिटी लोगों की कम है, 100 लोगों की कैपेसिटी है, कैसे 300 से 400 लोग वहां पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां पर कोई पूजा। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही खड़ा हो रहा है अंजलि कि आखिर, और इसी बात पर हम लगातार सवाल भी कर रहे हैं, इंडिया न्यूज के सभी रिपोर्टर्स इसी बात पर सवाल कर रहे हैं कि आखिर जिस पुल की कैपेसिटी यानी कि क्षमता 100 लोगों की हो उसमें 400 लोग कैसे आ गए। इतना बड़ा मौतों का आंकड़ा अंजलि, ये भी जानकारी मिल पा रही है, इनपुट्स आ रहे हैं कि ये बढ़ सकता है। कैजुअलिटीज के नंबर कल से ही हमने देखे कैसे एक के बाद एक बढ़ते गए हैं। अभी गुजरात के गृहमंत्री जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो प्राइवेट हॉस्पिटल हो हर जगह इलाज किया जा रहा है, लेकिन किस अधिकारी के कहने पर उस पुल को खुलने की इजाजत मिली थी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब देखिए टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है कंचन, और अक्सर हम ऐसा देखते भी हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो जिम्मेदारी कोई नहीं लेता और जिम्मेदारी कोई लेने वाला भी नहीं है। एक दूसरे पर जो टरकाया जा रहा है मामले को, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी इसकी नहीं लेने को तैयार है। जाहिर है कैजुअलिटीज की जो संख्या है वो बढ़ेगी चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और इससे ही आप अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में तीनों सेनाओं को लगाया गया है, वायुसेना, थल सेना, जल सेना सभी इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा एसटीआरएफ और एनडीआरएफ की भी कई टीमें मौके पर तैनात है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। देर रात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साथ ही साथ गृह मंत्री वहां के हर्ष सिंह भी मौके पर पहुंचे थे। अस्पताल जाकर भी उन्होंने जो घायल है उनका हालचाल जाना, परिवार वालों से मुलाकात की, डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि हर संभव मदद दी जाए, जो भी इलाज है मुहैया कराया जाए। इसके अलावा जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मोरबा का दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन यह जरूर है कि कई जो कार्यक्रम होने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर हैं चुनावों को देखते हुए, ऐसे में अगले 2 से 3 दिन तक जो भी कार्यक्रम होने वाले थे भारतीय जनता पार्टी के वो सब रद्द कर दिए गए हैं। और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस पार्टी के भी कई कार्यक्रम होने वाले थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फिलहाल गुजरात में मौजूद हैं और अशोक गहलोत के जो कार्यक्रम होने वाले थे वो भी सभी कांग्रेस पार्टी ने रद्द कर दिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह भी बताया जा रहा है कि वहां पर मौजूद है गुजरात में ही, और अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह दोनों ही मोरबी जाकर घायलों से मुलाकात कर सकते हैं और जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर जा सकते हैं, हालातों का जानकारी ले सकते हैं, स्थितियों की जानकारी ले सकते हैं। लेकिन यह जरूर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी कई दिक्कतें पेश आई हैं, चूंकि रात का वक्त था, देर शाम ये पूरा हादसा हुआ और रात होने की वजह से कई दिक्कतें पेश आई, और ऐसे में अब सुबह से ही जैसे ही
सूर्य देवता ने दर्शन दिए, जैसे ही दिन निकला एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाई गई है और एक एक कर कई शव अभी भी बाहर निकाले जा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं कंचन जो कि अभी भी लापता हैं। परिवार वाले वहां पर पहुंचे हुए हैं, रोते बिलखते आंखों में आंसू नजर आएंगे लोगों के। अपनों को जानने, अपनों की एक झलक पाने के लिए वो लोग तरस रहे हैं। सभी को ये उम्मीद है कि शायद उनका जो परिवार का सदस्य है उसकी जान बच गई हो, वो वापस आए निकलकर। लेकिन ये जरूर है कि बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कई फीट ऊंचा पर पहुंच रहे हैं और अभी भी स्थानीय लोगों का तांता वहां पर लगा हुआ है। आसपास के लोग इकट्ठा हो रहे हैं देखने के लिए, मदद करने के लिए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एयरफोर्स, कमांडोज, पूरी पूरी टीमें तैनात की गई हैं। एसआईटी का गठन किया गया है। ये तस्वीरें अब आपको मोरबी की दिखा रहे हैं। जानकारी ये मिल पा रही है कि पीएम मोदी भी यहां पर पहुंच सकते हैं। सवाल कई सारे हैं। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ये जो मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, 130, 132, 140, आखिर कौन जिम्मेदार है? ये जो पुल खुला, जो अंडर कंस्ट्रक्शन था पिछले 5-6-7 महीनों से, उस पुल को खोलने की परमिशन किस अधिकारी की तरफ से दी गई थी? क्या उस पुल के पास फिटनेस सर्टिफिकेट था? क्या उस पुल के पास एनओसी था? एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, ग्राउंड रिपोर्ट से, गुजरात से हमारे संवाददाता की। उस रिपोर्ट को देखिए, समझिए और हालातों को, क्योंकि आज हिंदुस्तान के हर शख्स के मन में कई सारे सवाल हैं। इंडिया न्यूज की एक खास रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से देखिए। तस्वीरें जो है आपके सामने रूबरू करा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन जो है शुरू है। अभी इसमें ज्यादातर जो है बच्चे भी कई शामिल है, ज्यादातर महिलाएं हैं इसमें। आप देख सकते हैं ब्रिज किस तरह से टूटा हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरें आपके सामने रूबरू है कि किस तरह से ब्रिज जो है बीचों बीच में से टूटा हुआ है और वहीं से है जो ज्यादातर लोग है बीचों बीच गिरे और फिर वहां से नदी में जो है बह गए। और अभी तक बहुत सारे लोग है जिनका कोई अता पता नहीं है। ओरेवा जो कंपनी है उनके उसके द्वारा जो है इसका कुछ दिन पहले ही जो है रिनोवेशन किया गया था और नए साल के दिन जो है इस ब्रिज को जो है फिर से शुरू किया गया था। अभी भी जो है सर्च ऑपरेशन शुरू है। एनडीआरएफ की टीम लगी है, फायर की टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन इसके लिए लगा हुआ है, सरकार पूरी तरह से इसमें जुटी हुई है। स्थानिक जो लोग हैं, स्थानिक लोगों के द्वारा भी जो है कार्यवाही जो है की जा रही है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है बोटे वहां पर घूम रही है, सर्च ऑपरेशन अभी भी शुरू है। स्थानीय लोग भी है जो यहां पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, जब ये पुल टूटा तब आप हाजिर थे यहाँ पे? ना, मैं नहीं। अब कितने बजे तकरीबन ये हादसा हुआ होगा? 6:30 बजे के आसपास। 6:30 बजे का तकरीबन क्या मानते हैं आप कि कितने लोग इस पे सवार हो गए ब्रिज पे? आइडिया नहीं है मेरे को, मैं था ही नहीं हाजिर में एक्चुअल में यहाँ पे। पर अच्छा? लोग कल बहुत ज्यादा थे, छुट्टी थी इसलिए। क्या हुआ? लोग बहुत ज्यादा आए हुए थे कल, छुट्टी थी इसलिए। अच्छा, यानी कि छुट्टी की वजह से लोग ज्यादा पर यहाँ पर ज्यादा मात्रा में जो है छुट्टी की वजह से लोग भारी मात्रा में जो है यहाँ पर उपस्थित थे। यहाँ पे कुछ लोग भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हसमुख भाई। हसमुख भाई, क्या लगता है जब हादसा हुआ तब आप थे यहाँ पे? ना ना, हम नहीं थे, पर सुनने में आया यही बाजू में नजदीक ही रहे थे हम। अच्छा, तो ये हादसा कितने बजे तकरीबन हुआ होगा और क्या लगता है कि कितने लोग अभी तक लापता होंगे? 6:40 को ये हादसा हुआ है और करीबन ब्रिज के ऊपर 450 के आसपास आदमी थे। अच्छा, हाँ। और ये ब्रिज शुरू कब किया गया था, पहले बंद कब किया गया था, रिनोवेशन कब किया गया, इसका कुछ आइडिया है आपको? 26 तारीख अभी 26 तारीख को गुजरात में न्यू ईयर मनाया जाता है, तब से ये ब्रिज चालू किया था। 6-6.5 महीना तक ये ब्रिज का ये रिनोवेशन काम चालू था। अभी इस 4th दिन था जब चालू हादसा हुआ हो। सवाल कई हैं कि आखिर इस मौत का ब्रिज किसने बनाया, किस अधिकारी से परमिशन मिली, क्या इस ब्रिज को एनओसी पास हुआ था, क्या इस ब्रिज के पास फिटनेस सर्टिफिकेट था? जिस ब्रिज की क्षमता 100 लोगों की थी, उस ब्रिज पर 400 लोग पहुंचे कैसे? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने में लगातार हम जारी हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेना, जल्द हाजिर हो रहे हैं। इंडिया न्यूज पर